ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी का किसी अनन्य भक्त के जीवन में प्रवेश होता है तो चहुं दिशाओं में जैसे महाराज जी के ही दर्शन होते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, कोई भी चर्चा चल रही हो, मस्तिष्क में कोई भी विचार आ रहा हो, सब कुछ महाराज जी से ही संबंधित जैसा प्रतीत होता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, आजकल आप यही चीजें अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं, निसंदेह ये महाराज जी का ही प्रताप है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये आकर्षण अब रुकेगा नहीं, ये आकर्षण दिन प्रतिदिन क्षण क्षण यूं ही बढ़ता रहेगा और अंत में महाराज जी के जिस अद्भुत प्रेम की प्राप्ति होगी, जिस सानिध्य की प्राप्ति होगी, उन्हें आप शब्दों में कभी कह ही नहीं पाएंगे। तो आज का ये जो क्रमांक है इसी संदर्भ में होने वाला है कि जब महाराज जी से किसी अनन्य भक्त की भेंट होती है, जब महाराज जी का सानिध्य आपके जीवन में परस्पर प्रारंभ हो जाता है, तो ये जो आगाज है, ये जो जीवन में परिवर्तन की घड़ी अब आएगी, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावी करती है, कैसे आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखती है, आज के इस क्रमांक में आपको अवश्य ज्ञात होगा। इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक भी महाराज जी की मर्जी अनुसार ये क्रमांक पहुँच रहा है, जो जो अनन्य दर्शक इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, अवश्य ही उनके जीवन में ये क्रमांक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने में सक्षम होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य दर्शक जो अभी प्रथम बार इस क्रमांक को देख रहे हैं, ये उन सबके लिए मैं कहना चाहूँगा जो भी इस क्रमांक के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये क्रमांक आप तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी लीला को प्रारंभ करने वाला है। ऐसा इसलिए है कि यदि आपके मस्तिष्क में महाराज जी को लेकर विचार आ रहा है, हमेशा महाराज जी के विषय में सोच रहे हैं, महाराज जी को प्राप्त करने की मन में होड़ सी लगी हुई है, और इस प्रकार क्रमांक का आपको प्राप्त होना बेवजह नहीं होता, क्योंकि ये आकर्षण आपने महाराज जी की मर्जी अनुसार जीवन में प्राप्त किया है। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने के लिए बहुत ही शीघ्र प्रतीक्षा कर रहा है। क्या परिवर्तन होगा, कैसे सब कुछ बदल जाएगा, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी महाराज जी की कथा विशेषांक और चर्चाएं, महाराज जी की लीलाएं, ये जब आप तक पहुंचनी प्रारंभ हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि महाराज जी ने आपको किसी न किसी प्रकार से चिन्हित कर लिया है कि महाराज जी आपको अपना सानिध्य प्रदान करने वाले हैं। जब आप चिन्हित हो जाते हैं तो इसी प्रकार से पूरे दिन में आपके पास अनेकों अनेकों चर्चाएँ, अनेकों अनेकों महाराज जी के विशेषांक पहुँचते रहते हैं, और इस प्रकार से महाराज जी की चर्चाओं में आपका शामिल होना, महाराज जी के धामों में दर्शन होना, महाराज जी के धामों की लीलाओं को सुनना और जीवन में महाराज जी के प्रवेश कृतार्थ होना, ये सब कुछ महाराज जी की लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जब महाराज जी का सानिध्य आपको धीरे धीरे जीवन में प्राप्त होने लगता है, तो ये एक बहुत बड़े चमत्कार को जन्म देने जैसा होता है। ये चमत्कार आपके जीवन पर निश्चित तौर से प्रथम दिवस से ही प्रभावी होना प्रारंभ हो जाता है। चमत्कार कैसे होता है, परिवर्तन क्या आता है, जब आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात महाराज जी से जुड़ जाते हैं, तो आपका जो हृदय है सबसे पहले एक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिव्य शक्ति सदैव मेरे साथ है, जो मुझे किसी न किसी स्वरूप में मार्गदर्शित करने का कार्य कर रही है। आपके मस्तिष्क में अब तक जो विचार आते होंगे, उन विचारों से आप जीवन में निर्णय लेते हैं, लेकिन महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे, सबसे पहले वो सारे विचार बहुत क्रांतिकारी होंगे। क्रांतिकारी कैसे होंगे, कि आप अपने जीवन में या तो अब तक जो निर्णय लेने में देरी कर रहे थे, या निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रखते थे, या किसी न किसी प्रकार से जीवन में किसी बड़े परिवर्तन के आने से पहले बहुत से शंकाओं को रखते थे, ये सारी चीज़ें जीवन से प्रथम दिवस से ही बदल जाएंगी। ये बदलाव आपके मस्तिष्क में आने वाले हर एक विचार को आपको पूरी तरह से चकित कर देने के लिए तैयार होगा। कैसे ये सब कुछ होगा, महाराज जी जब भी आपके मस्तिष्क में कोई विचार भेजते होंगे, ये सारे विचार बड़े ही आध्यात्मिक स्वरूप से आपके जीवन को प्रभावी बनाते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के चलते ये विचार आपके जीवन में निर्णय लेने में बहुत सहायक होंगे।
अर्थात आपके जीवन में जितने भी निर्णय अभी तक आपने लिए होंगे उन सारे निर्णयों से बिल्कुल भिन्न ये सारे विचार आपके जीवन में नई नई चीजें लाने में पूरी तरह से समर्थवान होंगे। महाराज जी एक और अद्भुत कार्य करते हैं। जब भी किसी अनन्य भक्त के हृदय में महाराज जी का प्रेम है वो प्रभाव जब दिखाना शुरू करता है तो होता क्या है कि वो अनन्य भक्त पूरी तरह से अपने जीवन में एक शक्ति का अनुभव करता है। ये इच्छा शक्ति या ये तीव्र ऊर्जा आपके जीवन में हमेशा हमेशा आपको सही और सन्मार्ग की ओर लेकर जाती है। और जैसा आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है ऐसा व्यक्ति जीवन में निष्ठावान होकर अपने सारे जो स्वप्न देखे होते हैं उन सारे स्वप्नों को सच करने की सामर्थ्य भी रखता है और उसके जीवन में वो सारे स्वप्न जो हैं एक दिन सच भी होते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी न किसी मार्गदर्शन के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत से लोगों को तो जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति ही नहीं हो पाती, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आज के इस क्रमांक को सुनने वाले हर एक अनन्य दर्शक हर एक श्रोता को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत भाग्यवान हैं आप सभी, क्योंकि आप महाराज जी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये आकर्षण कभी भी बेवजह नहीं होता। मैं हर क्रमांक में किसी न किसी स्वरूप में ये बात बताने का प्रयास करता हूँ कि ये परिवर्तन या ये जुड़ाव जो आज आपको हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति कार्य कर रही है और वो शक्ति कोई और नहीं श्रद्धेय श्री महाराज जी हैं। और जब महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है, महाराज जी ने आपके जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, तो फिर आपको निराश महाराज जी कभी नहीं करते। आप देखिएगा कुछ ही समय बाद आप सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे कि आपके जीवन में कोई बड़ा स्वप्न जो आपने देखा हो उस स्वप्न जैसे सत्य में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो कौन अपने जीवन में नहीं चाहता कि या मेरे देखे हुए सारे सपने सत्य हो जाएं? तो इसीलिए आपको जीवन में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिन सद्गुरु के आकर्षण में आज आप हैं या जिन सद्गुरु के जीवन के सानिध्य की आप अपने जीवन में आशा कर रहे हैं वो सब कुछ आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रभावी होने वाला है। एक बहुत ही अद्भुत शक्ति महाराज जी की आपके जीवन में आपको हमेशा कामयाब बनाने की ओर अग्रसर होगी। और आप देखेंगे कि महाराज जी का ये जो दिव्य प्रेम है ना तो आपने अपने पूरे जीवन में ऐसे प्रेम का अनुभव किया होगा और ना ही ऐसा कोई प्रेम है जो महाराज जी से इतर है, अर्थात महाराज जी से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जो अद्भुत शक्ति आज आपके साथ जुड़ी हुई है ये निसंदेह आपके जीवन में आपको एक कामयाब व्यक्ति बनाने में पूरी तरह से सहायक होगी। और जो व्यक्ति एक बार महाराज जी से जुड़ गया उसके जीवन का संपूर्ण रूप से कल्याण करना महाराज जी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। भले ही ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी से दूर चला जाए लेकिन महाराज जी उससे कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।